हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल ग्लैम सीक्रेट्स और मैं हूँ आरती शर्मा। फ्रेंड्स, आज मैं आप लोगों के लिए जो वीडियो लेके आई हूँ वो एक रिक्वेस्टेड वीडियो है। एक्चुअली मेरे पास एक कमेंट आया था कि दी बॉर्डर की साड़ी को हम परफेक्ट तरीके से कैसे पहन सकते हैं, तो लीजिए आपके लिए हाजिर है। और इस वीडियो में मैंने आपको बताया है आप लोगों को कि आप प्लीट्स को बॉर्डर टू बॉर्डर कैसे सेट कर सकते हैं, एंड आप देख सकते हैं, ठीक है ना, और परफेक्ट तरीके से टाइट फिटिंग के साथ कैसे पहन सकते हैं। सबसे पहले मैं आपको ये साड़ी दिखा दूं। ये जो साड़ी है ये जॉर्जेट की है और ये मुझे आरपीडी फैशन से रिसीव हुई थी। साड़ी सी थ्रू है और साड़ी पर जो बॉर्डर का वर्क हो रखा है बहुत ही फिनिशिंग का हो रखा है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। साड़ी पहनने से पहले आपको चीज़ों का जो ध्यान रखना है वो ये है कि सबसे पहले मैचिंग का पेटीकोट पहने। हालांकि मैंने नहीं पहना है बट आपको मैचिंग का पेटीकोट पहन लेना है। एंड जो स्लीपर्स हैं वो आप हील की पहन रहे हैं तो उस समय आपको किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए वो मैं आज आप लोगों को बताऊंगी, ठीक है ना। जो फुटवेयर अगर आप हील वाली पहन रहे हैं, बट अगर आप स्लीपर पहनते हैं जिसमें हील नहीं होती है तो उसको पहनते वक्त किन बातों का ध्यान रखना है, अगर आप ये जानना चाहते हैं तो प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं, मैं उससे रिगार्डिंग वीडियो लेके आऊँगी, ठीक है। अब मैंने यहाँ पे साड़ी का फर्स्ट पोर्शन राइट साइड से टक करते हुए लेफ्ट हैंड साइड तक लेके गए एंड फिर एक सर्कल लिया और फिर अच्छे से पेटीकोट में साड़ी को टक कर दिया। इतना काम ख़त्म होने के बाद प्लीट्स वाले पोर्शन को हम बैक साइड से लेके आएंगे और जो कि आप बॉर्डर वाली साड़ी के बारे में बात कर रहे थे तो मैं यहाँ पर आपको बॉर्डर टू बॉर्डर सेट करना बताने वाली हूँ। यहाँ पर आप देख सकते हैं लास्ट वाले पोर्शन को, बॉर्डर को मैंने बॉर्डर टू बॉर्डर इस तरीके से अटैच किया, ठीक है, और फिर उसके बाद सेफ्टी पिन लगाएंगे। अब ये आप पर डिपेंड करता है कि आप जो बॉर्डर है वो जो फ्रंट में आता है उसको पहले ऊपर लगाएंगे या फिर जो बाद में बॉर्डर आता है उसे लगाएंगे, ठीक है। यहाँ मैंने जो बाद में बॉर्डर आता है, ठीक है ना, उसको पहले लगाया है, सेफ्टी पिन से सिक्योर कर दिया है, ठीक है। आई होप ये चीज़ आपके साथ क्लियर हो गई हो। अब हम पल्ले को अपने शोल्डर पे लेके आएंगे एंड लेंथ, क्योंकि हम प्लीट्स वाला कर रहे हैं तो नी से थोड़ा नीचे कर लेंगे। पल्ले को सेट करते हुए जैसा कि मैं आपको दिखा रही हूँ, कमर के पास से जो साड़ी का फैब्रिक है उसे लेके आएंगे, ठीक है, इस तरीके से। हालांकि यहाँ पर अभी मैंने बॉर्डर जो प्लीट्स हैं उसको ब्लाउज के साथ सिक्योर नहीं किया है, तो फिर भी हम साड़ी के फैब्रिक को इस तरीके से लेके आएंगे और पेटीकोट के साथ ही सेफ्टी पिन से सिक्योर कर देंगे। यहाँ आप देख सकते हैं जो फैब्रिक है वो स्लैंट में आना चाहिए, यानी तिरछे की तरफ आना चाहिए, ठीक है। एंड सेफ्टी पिन लगाने के बाद हम प्लीट्स पर आएंगे। प्लीट्स बनाने के लिए आपको जो निवेल होता है उससे 3 फिंगर आगे आपको फर्स्ट प्लीट रखनी है, देन उसके बाद बाकी की सारी प्लीट्स बनानी है। फर्स्ट प्लीट आपकी थोड़ी चौड़ी होनी चाहिए और फिर उसके बाद जितनी भी प्लीट्स हैं आप अपने अकॉर्डिंग छोटी रख सकते हैं। बिल्कुल मैं भी उसी तरीके से कर रही हूँ। बैक साइड में जो फैब्रिक बचता है साड़ी का उसे हम उसमें प्लीट्स को हम एकदम छोटा बनाएंगे। आप देख सकते हैं, मैं थोड़ा आपको करीब से दिखाने की कोशिश कर रही हूँ। इस तरीके से हम छोटी बनाएंगे तो इससे क्या होता है, कमर के पास एक तो फिटिंग बहुत अच्छी आती है और फिर उसके बाद हम जो एक्स्ट्रा फैब्रिक बचेगा उसे इस तरीके से टाइट करते हुए, स्ट्रेच करते हुए और वन बाई वन सारी प्लीट्स को अरेंज करते हुए पेटीकोट में हम साड़ी की जो प्लीट्स हैं उन्हें अरेंज करके और फिर टक कर देंगे। लेंथ का आपको हमेशा ध्यान रखना है कि जो फर्स्ट प्लीट है वो थोड़ी नीचे होनी चाहिए और बाकी की जितनी भी प्लीट्स आप रखते हैं उसे आप ऊंची रखें तो आपके नीचे की तरफ से जितनी भी प्लीट्स हैं वो एकदम इक्वल हो जाती हैं। एक्स्ट्रा फैब्रिक को हम साड़ी में टक कर लेंगे, मतलब पेटीकोट में टक कर लेंगे और फिर उसके बाद एक एक करके हम प्लीट्स को अरेंज कर लेंगे। तो यहाँ पे हमारी कमर की प्लीट्स का काम ख़त्म हो गया है। जॉर्जेट की जो साड़ी होती है वो अपने आप ही सेट हो जाती है नीचे से, ठीक है ना, ठीक है, ज़्यादा आपको मेहनत नहीं करनी पड़ती है। अब हम आते हैं शोल्डर प्लीट पर। शोल्डर प्लीट
को अरेंज करने के टाइम पर आपको पहले तो ध्यान रख लेना है कि आपने जो लेंथ ली थी वो इक्वल है या नहीं, ठीक है। उसके बाद आपको वन बाय वन छोटी छोटी प्लेट्स बनानी है। मैं आपको एक एक करके दिखा देती हूँ। ये देखिए, इस तरीके से आपको छोटी छोटी प्लेट्स अरेंज करनी है। जैसे मैं आपको दिखा रही हूँ, क्योंकि मेरे पास जो मेरी साड़ी है वो उसकी जो बॉर्डर है उसका बॉर्डर बहुत ही पतला है, तो उस टाइम पर मैं यहाँ पर छोटी छोटी ही प्लेट्स ले रही हूँ। और क्योंकि साड़ी का जो फैब्रिक है वो जॉर्जेट का है, और अगर शिफॉन का भी होता तो प्लेट्स को अरेंज करने में प्रॉब्लम नहीं आती, बट जिन साड़ियों का फैब्रिक थोड़ा सा मोटा होता है वहाँ पे आप इतनी स्लीक प्लेट्स को अरेंज नहीं कर पाओगे, तो वहाँ पर आपको दूसरे ट्रिक का यूज़ करना है। वो मैं आपको जब आप कहेंगे तो मैं आपके लिए इसके लिए वीडियो लेके आऊँगी। तो लीजिए, यहाँ पे मेरी शोल्डर प्लेट्स अरेंज हो गई हैं, बॉर्डर टू बॉर्डर मैंने सेट कर लिया है। मैंने वन बाय वन सारी प्लेट्स को अरेंज किया, और फिर जो लास्ट वाला जो बॉर्डर था उसको दूसरे बॉर्डर के ऊपर हल्का सा इस तरीके से मैंने अरेंज करते हुए, और फिर सेफ्टी पिन का मैं यूज़ करते हुए सिक्योर कर दूंगी ब्लाउज के साथ। तो यहाँ आप देख सकते हैं मैंने अरेंज करके और फिर सेफ्टी पिन से सिक्योर कर दिया है। फ्रंट में हम बॉर्डर टू बॉर्डर लेकर आना है, तो हम लास्ट में जो हमने सेफ्टी पिन लगाई थी उसे इस तरीके से निकाल के, और पहले हम सारी प्लीट्स को अरेंज कर लेंगे एंड देन उसके बाद फिर सेफ्टी पिन से सिक्योर कर देंगे। अब यहाँ पर क्योंकि मेरी जो साड़ी है वो थोड़ी सी थ्रू है, यानी आर पार उसमें दिखाई देता है, तो मैं फर्स्ट बॉर्डर हटाकर फिर सेफ्टी पिन का यूज़ नहीं करूँगी, बल्कि अंदर से सेफ्टी पिन लगा दूँगी। तो आप देख सकते हैं फ्रंट की तरफ से एकदम बॉर्डर बहुत ही प्यारा दिखाई दे रहा है, बॉर्डर टू बॉर्डर अरेंज हो गया है। अब यहाँ पर हम सेफ्टी पिन लेंगे और फिर उसके बाद पिन से सिक्योर कर देंगे। तो लीजिए, मैंने साड़ी बहुत ही परफेक्ट तरीके से पहन लिया है, एंड यहाँ पर आप मेरा लुक जो है वो देख सकते हैं कैसा आया है। कमर के पास बहुत अच्छी फिनिशिंग आई है, एंड शोल्डर प्लेट्स बहुत प्यारी आई हुई हैं। तो यस, मैंने जो साड़ी है बहुत ही परफेक्ट तरीके से पहन ली है। जो भी मेरी नीचे की प्लेट्स अरेंज नहीं है उन्हें मैंने सेट कर दिया, एंड ये है मेरा फाइनल लुक। कैसा लगा मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। साड़ी को पहनते वक्त अगर आप इन टिप्स का ध्यान रखते हैं तो आपकी साड़ी बहुत ही प्यारी और बहुत ही अच्छे तरीके से अरेंज हो जाती है, एंड आपकी जो साड़ी है वो टाइट फिटिंग सेट होती है। सो आई होप आप लोग इन टिप्स का यूज़ ज़रूर करेंगे एंड परफेक्ट तरीके से साड़ी पहनेंगे। और अभी तक के लिए इतना ही, मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय, और अपना इसी तरीके से ध्यान रखना।